मैं खुशी रू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। सोशल मीडिया पे दोस्ती, लड़की ने सौंप दिया अपने दोस्त को अपने घर की डुप्लीकेट चाबी और फिर क्या हुआ, चलिए हम आपको बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो गाइस ये जो पूरा मामला हमारे सामने मुंबई के कोलाबा से आ रहा है, जहां पर 19 साल की एक लड़की जो है उसकी दोस्ती इंस्टाग्राम के जरिए एक शोजान नाम के एक लड़के के साथ हुई। इस दौरान ही आप लोग को बताया कि सोशल मीडिया आजकल काफी ज्यादा एक्टिव है, और इस दौरान ही सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग काफी सारे फ्रेंड बनाते हैं, पर कभी कभार वो फ्रेंडशिप इतनी ज्यादा बढ़ जाती है जिसके कारण आप लोग सोशल मीडिया से निकल के निजी जिंदगी में आप उनसे मिलने लग जाते हैं और अपनी प्यार मोहब्बत बढ़ाने लग जाते हैं। इस दौरान ही विश्वास भी करने लग जाते हैं। इस दौरान ही यहाँ पर एक्चुअली में चार्टर्ड अकाउंटेंट का परिवार जो रहता था उनके उसमें इंस्टाग्राम चलाती थी 19 साल की लड़की, जिसकी मुलाकात जो है सोशल मीडिया के जरिए सोजान नाम के एक लड़के के साथ हुई। इस दौरान ही उनकी बातचीतें काफी ज्यादा बढ़ गई और उसने वहां पर उस लड़के को अपनी एक्चुअली में घर की डुप्लीकेट चाबी दे दी। चाबी देने के बाद वो एक्चुअली में पूरा परिवार जो है वो बाहर घूमने के लिए गया, और जैसे ही वो घर पे आया तब उन्होंने देखा कि घर के अंदर चोरी हुई हुई है, किसी ने हाथ साफ कर दिया है। घर के अंदर एक आईफोन और ज्वेलरी बॉक्स, हर एक चीज खाली थी, और कैश भी जितना रखा हुआ था वो भी वहां से एक्चुअली में गायब हो चुका था। और उस लड़की के पिताजी ने पुलिस को खबर दी, और पुलिस जब मौके पर पहुंची तब पुलिस ने ये सब चीजें बताया कि शायद यहाँ पर चोरी तो हुई है, पर ये चोरी के एक्चुअली में घुसने के निशान कहीं पर भी नहीं है। एक्चुअली में जो कि जान पहचान का इंसान है उसी ने ये सब चीजें की है, क्योंकि जबरन घुसने का कोई भी ऐसा निशान नहीं है। वहां पर लड़की से जब बातचीत की गई तब लड़की ने पहले तो कुछ ना नुकर की, और उसके बाद उसने सब कहानी अपने आप में बता दी कि मेरा ऐसा एक फ्रेंड है, इंस्टाग्राम पे मिला था, वो यहाँ पर रहता है और उसी के साथ उसको मैंने डुप्लीकेट चाबी दी थी। अभी बोला जा रहा है कि पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, और ज्वेलरी जो थी वो 14 लाख रुपए की थी, और आईफोन और कुछ कैश लेके भागा था। अभी उसको गिरफ्तार करने के बाद आईफोन और 1 लाख रुपया बरामद कर लिया गया है, और उसके बाद आगे की पूछताछ जारी की गई है। तो आप इन सब चीजों के बाद सोच के ये चीज तो जरूर सोचेंगे कि क्या हमें सोशल मीडिया पे दोस्ती करने के बाद दोस्त को एक्चुअली में घर पे बुलाना चाहिए। हालांकि इस लड़की ने बहुत ही बड़ी बेवकूफी की थी, 19 साल की उम्र में ऐसी बेवकूफियां हो ही जाती है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।